Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो पहले हम लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों धर्म संस्थापकों लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुगुरु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तासुत्रि ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहम एव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो मैं शेयर करता हूँ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। तो यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र के बारे में कहा गया है, तो ये हमारे एक सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने 1967 में इसमें टोटल 84 श्लोक है, उसमें से इन्होंने प्रभुपाद जी ने इसमें से 13 पे इन्होंने परपट लिखा था प्रभुपाद जी ने, और फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनका बहुत सारा सेवा था तो वो रह गया फिर, और फिर प्रभुपाद जी वापस गोलोक चले गए। तो 1989 में जब GBC का मीटिंग हुआ तब सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज जी को ये सेवा दिया गया कि आप इस बुक को कंप्लीट करो। तो ये महाराज आगे कह रहे हैं कि वो महाराज बहुत खुश थे और उनको मतलब ये अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी का ये जो मिशन था उसमें ये उनको मौका मिला इसमें कुछ सेवा करने का। तो वो कहते हैं कि 1966 में जब कुछ एक मिनट 66 में उन्होंने प्रभुपाद जी को ज्वाइन किया था उन्होंने, और उस समय ये जो गीता प्रेस है अपना गोरखपुर का उसके कुछ बुक्स जो थे कुछ भक्त लोग लेके उनको अच्छा लग रहा था, उनको लग रहा था कि इंडिया में कोई भी बुक है या कोई भी स्वामी है तो वो आदरणीय है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि बहुत सारे जो बुक्स हैं या बहुत सारे जो स्वामी हैं वो भक्ति के नाम पर मायावाद फैला रहे, तो उससे हमको सावधान रहना चाहिए। तो ये जो बुक था गीता प्रेस का नारद भक्ति सूत्र, ये सत्स्वरूप महाराज ने पढ़ा देखा था और कुछ पढ़ा था उन्होंने कुछ हिस्सा, तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने प्रभुपाद जी को दिखाया, तो प्रभुपाद जी बोले हाँ ये ठीक है, बोला इसको हम पढ़ सकते हैं, और फिर इसी बुक के बेसिस पे महाराज जी ने इसको आगे इसका ट्रांसलेशन इसका किया उन्होंने। तो वही बुक जो है हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और वो आगे कहते हैं कि उस समय जो एडिशन था नारद भक्ति सूत्र का उसमें बहुत अच्छा राधा कृष्ण का अच्छा फोटो था और काफी अच्छा लग रहा था, वो एकदम कलरफुल, जिसमें यमुना मैया थी, गाय भी थी, तो ये उनको काफी अच्छा लगा उनको ये, और प्रभुपाद जी ने भी इसका अप्रूवल दिया इस फोटो का और वो ही यूज किया उन्होंने।
फिर तो शुरुआत में जब प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया तो स्टार्ट जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत फास्ट गया। उन्होंने अपने टेप से प्रभुपाद जी कैसे डिक्टे ट्रांसलेट करते थे, उनके पास छोटा सा डिक्टाफोन था, तो वो डिक्टाफोन पे प्रभुपाद जी उसमें रिकॉर्डिंग जो ट्रांसलेशन था वो करके अपने जो डिसाइपल्स थे उनको देते थे, और डिसाइपल्स जो है वो उसको फिर आगे टाइप करके उसका बुक बनाया करते थे। और ऐसे ही टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उन्होंने किया था। तो ये जो मतलब काफी सारा था, तो उसमें से लग रहा था कि नारद भक्ति सूत्र जो है ये प्रभुपाद जी के लिए एक एक्स्ट्रा काम है ये, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको अच्छे से करने का प्रयास किया। और महाराज कहते हैं, सत्यरूप महाराज कहते हैं कि जब मैंने इसका पहला ट्रांसलेशन जब मुझे मिला तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे श्री प्रभुपाद जी ने वर्ड भक्ति को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो उन्होंने भक्ति को डिवोशन या डिवाइन लव कह के उसको संबोधित किया था। सॉरी, जो बुक था उसमें भक्ति को डिवोशन या डिवाइन लव करके कहा गया था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति को डिवोशनल सर्विस कह के उसको ट्रांसलेट किया था। और हम लोग प्रभुपाद जी का कोई भी बुक्स पढ़ें तो भक्ति जब भी वर्ड आता है तो वो उसे डिवोशनल सर्विस के नाम से ट्रांसलेट करते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने इसका जो फर्स्ट पर्पट है वो भगवत गीता का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने इसको किया है। और वो कहते हैं कि चाहे नारद भक्ति सूत्र हो या कोई भी बुक हो, वो भगवान कृष्ण के जो संदेश है, भगवत गीता भगवान कृष्ण का जो शिक्षा है उस पर आधारित होते हुए इसको करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि हम लोग जब भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी का जब उनका पर्पट पढ़ते हैं तो हम लोग कितने सेफ हैं, और जब दूसरे लोगों के हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें भक्ति लेश मात्र भी उसमें कहीं पे दिखाई नहीं देती, तो ये हम लोग देख सकते हैं। और जो प्रभुपाद जी ने जो पर्पट दिए थे वो पूरी तरह से अपनी परंपरा, जो वैष्णव परंपरा है जो अपने उसमें इसमें उसके हिसाब से थे। और फिर आगे महाराज जी कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो मुझे जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया कि जब वो सूत्र नंबर 5 जब उस पर प्रभुपाद जी ने कमेंट्री किया तो उसमें उन्होंने कहा कि उत्साह को एक बहुत ही पावरफुल इंजन की तरह उन्हें उदाहरण दिया है। और उन्होंने लिखा, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ एज इट इज, फिर इसका हिंदी देखते हैं। इफ वन हाउएवर बिकम्स डिसअपॉइंटेड इन हिज एंथुसियाज्म फॉर सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड, दैट डिसअपॉइंटमेंट मस्ट ऑल्सो बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई उत्साह किसी का कम हो जाता है भगवान की सेवा करने में तो वो जो निरुत्साहपना है उसे भी हमें त्याग देना चाहिए। और महाराज जी कह रहे हैं, सत्यरूप महाराज अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं एक कनिष्ठ जो भक्त होते हुए मैं ये जो खतरा था रिजेक्शन का
डिप्रेशन का, तुम इसको अच्छी तरह समझ सक रहा था इसको। लेकिन जैसे एक अच्छा सीरियस जो एक भक्त होता है, प्रैक्टिशनर साधक जो होता है, वो अपने इंद्रियों को, अपने जिह्वा को बहुत अच्छे से अपने काबू में रखता है। हमें सिर्फ जो हमें साधक को जो नियम दिए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए, उसको धैर्य से उसका पालन करना चाहिए और कभी ना कभी वो दिन आएगा जब वो उसे भक्ति प्राप्त होगी। और यहाँ पे वो लिख रहे हैं महाराज, मुझे इस बात को मानना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी के जो नारद भक्ति सूत्र है, जो कमेंट्री है, उसको बहुत ही मुझे एक आसक्ति, पर्सनल आसक्ति हो गई थी और मैंने उसको धीरे धीरे ऐसा प्रोग्रेस होते हुए देखा। और मैंने नोटिस किया कि इसमें से जो कुछ मटेरियल था वो प्रभुपाद जी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भी डाल रहे थे। प्रभुपाद जी का और एक बुक है भगवान चैतन्य की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वो उसमें भी डाल रहे थे। सॉरी, जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का जो उनका कमेंट्री है वो यहाँ पे भी डाल रहे थे। और फिर आगे वो कहते हैं, और जब प्रभुपाद जी ने 12वां सूत्र उसका जो परपोट लिखा था, तब उसमें कहते हैं, देर आर मेनी ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, बट ऑल ऑफ देम आर मोर और लेस सप्लीमेंट्स टू भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम। इवन द नारद भक्ति सूत्र इज अ समरी ऑफ भगवद गीता एंड द श्रीमद भागवतम, देयरफॉर बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस इज टू हियर दिस टू इम्पोर्टेंट ट्रांसलेट बुक्स ऑफ नॉलेज। तो प्रभुपाद जी के 12वें सूत्र के परपट में कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे हम लोग देखते हैं भगवद गीता है, भागवतम है, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये सारा जो है ये सिर्फ भगवद गीता और श्रीमद भागवतम का ही अंश है, उसी का शिक्षा है। और इसलिए जो नारद भक्ति सूत्र है ये भी भगवद गीता और श्रीमद भागवतम का ही सार है। और इसीलिए भक्ति की शुरुआत में हमें इन दोनों आध्यात्मिक जो किताबें हैं उसका हमको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। फिर मार्च 1967 में जब प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में रह रहे थे, तब महाराज कह रहे हैं, तब उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि मैंने ये कॉपी देखी है नारद भक्ति सूत्र की और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की, और दोनों भी जो है बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। तो पहले प्रभुपाद जी कहते, पहले हम लोग टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य खत्म करेंगे और उसके बाद में फिर नारद भक्ति सूत्र खत्म करेंगे। तो जो नारद भक्ति सूत्र का जो शिक्षाएं हैं वो ऑलरेडी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में है। और अगर ऐसा हम लोग देखें तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं वो नारद भक्ति सूत्र में भी है। और महाराज कह रहे हैं कि 20 इयर्स लेटर वी आर टेकिंग अप दिस वर्क अगेन, और ये जो रह गया था नारद भक्ति सूत्र का ट्रांसलेशन, तो ये 20 साल के बाद उन्होंने इसको हाथ में लिया, इस काम को पूर्ण किया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भी कुछ किया गया है ये प्रभुपाद के शिष्य के रूप में ही किया गया है। मतलब वही कह रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी अगर लिखते तो कैसे लिखते, उसी दृष्टिकोण से इसको लिखा गया है। और उनका श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, कृष्णा बुक, ये सारे जो बुक हैं उसी का मदद लेकर इस बुक को बनाया गया है। लेकिन महाराज कहते हैं कि नारद भक्ति सूत्र का एक अलग चार्म है, एक अलग आकर्षण है।
इसमें जो सारे श्लोक है या सारे सूत्र हैं बहुत ही स्ट्रांग हैं और हम लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और भक्ति और प्रचार के कार्य में इसको हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं। तो कई बार प्रभुपाद जी नारद भक्ति सूत्र को जब भी कोई लिखते थे तो वह कहते थे कि जो ये लिखा हुआ है ये सारा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं में से लिया गया है। तो यहाँ पे आगे कहते हैं महाराज, आज जो है हम लोग सिर्फ जो इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं अभी तक, तो आई थिंक एक मिनट हाँ ये खत्म होने आया। ओके, तो इतना खत्म करते हैं हम लोग पैराग्राफ। तो महाराज जी कह रहे हैं द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट पब्लिकेशन इज दैट अनदर ऑफ श्री प्रभुपाद सिक्स रिवर्स इज नाउ अवेलेबल इन बुक फॉर्म। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी का और एक जो बुक है वो हमारे इस माध्यम से नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से हमें प्राप्त है। और जीबीसी ने बाद में गोपी परणधन प्रभु जी और मुझे नारद भक्ति सूत्र एक इज देयर मर्सी अपॉन अस उनको कंप्लीट करने के लिए कहा गया, तो ये उनका कृपा है हम पर। तो गोपी परणधन प्रभु और सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज इन दोनों ने मिलके ये कार्य पूरे किया है और वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोई इस नारद भक्ति सूत्र के इस एडिशन को पढ़ेगा उसे आनंद देगा और उसको भक्ति प्रदान करेगा। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और कल हम लोग जो है इसका जो पहला सूत्र है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा।